हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपिका और मेरी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज संडे और छुट्टी का दिन भी है, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूम के आते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगेगा और घूमना भी हो जाएगा। तो हम लोग दोपहर में खाना खा के निकल पड़े इस्कॉन के लिए। इस्कॉन जाना है इसलिए घर में वेज ही बनाया संडे को। ज़्यादा हम लोग नॉन वेज खाते हैं, कहीं मंदिर में जाना है तो वेज खाते हैं। तो इसलिए मैंने संडे में सबका मनपसंद खाना राजमा चावल बनाया। ये राजमा चावल मेरी बेटी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे से खाते हैं और मैं भी। हम सबको ही राजमा चावल ऐसा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कौन कौन हो जो ऐसे राजमा चावल बना के खाते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और किसी को अगर राजमा चावल की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो हम लोग खाना खा के घर से निकल पड़े 4 बजे। इधर से हम लोग पहले जाएंगे थाने। एक्चुअली मुंबई में जो जुहू में इस्कॉन है वो वहाँ हम लोग पहले जा चुके हैं, लेकिन थाने में जो बना है नया सा इस्कॉन उधर हम लोग ये पहली बार जा रहे हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे थाने स्टेशन। हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ के आ चुके हैं थाने। ये है थाने स्टेशन। अभी ऑटो में करके हम लोग जाएंगे इस्कॉन। ये थाने में एक लेक है, बहुत बढ़िया लगता है दिखने में। आप लोग देख ही रहे हैं शाम के टाइम बहुत लोग बैठे हैं इधर, बहुत लोग घूमने भी आते हैं। बारिश का मौसम है और ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम रास्ता वगैरह सब क्लीन एकदम। हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन। हम जब घर से निकले तब बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, लेकिन थाने में थोड़ी थोड़ी बारिश चालू थी। हम पहुंच चुके इस्कॉन, अंदर भी आ चुके। देखिए कितना सुंदर बना है, ये फ्लैट्स भी नया ही बना है। ये पिरामल का है, ये मंदिर भी पिरामल ने ही बनाया है, एकदम नया। मार्च में ही ओपनिंग हुआ है मंदिर का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम अभी थोड़े टाइम इधर घूमे, आदि भी खेल रहा था बाहरी। ये ट्रेन में थोड़ा सा सो गया था, लेकिन जैसे ही हम लोग आए इस्कॉन तब जग गया। अभी शाम हो चुके हैं, शाम की आरती चालू होने वाली है। हम लोग अंदर जाते मंदिर के। देखिए बाहर से कितना सुंदर नज़ारा है, अंदर आपको मैं भगवान जी का दर्शन कराती हूँ, राधे कृष्ण का। मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आप में से कौन कौन थाने में इस्कॉन गए हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। देखिए अद्भुत नज़ारे राधे कृष्ण जी का। राधे कृष्ण जी को देख के मन को एकदम शांति मिल गई। कितने दूर दूर से लोग आते हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए। हम भी धन्य हो चुके हैं, इतने भीड़ में भी इतने अच्छे से दर्शन मिले हमें, बहुत ही अच्छा लगा। भजन चालू हो चुके थे, हम भी इधर बैठे थे, 1 से 1.5 घंटा भजन किया, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर आके कभी कभी सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और भजन के बाद आरती चालू हुई, शाम के टाइम जो आरती होते हैं आरती में भी हम लोग शामिल थे। और बाहर बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और हमारा आधी भी चुपचाप बैठा था उसके पापा के साथ, भजन कर रहा था दोनों हाथ ऐसे करके, सब जैसे कर रहे थे ऐसे ही, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अज्जी का भी अच्छे से भजन कर रही थी, उसको भी बहुत ही अच्छा लगा। देखिए मंदिर का ऊपर का डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
आप लोग अगर मुंबई में रहते हो तो जरूर एक बार जाके दर्शन करके आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सब कुछ अच्छे से हो चुके हैं, अभी 8 बज चुके हैं, हम निकलते हैं। बारिश का मौसम है, कब अचानक से बारिश आ जाए, मुंबई का बारिश। थाने से हमें नवी मुंबई जाना है तो, और घर पहुँचते पहुँचते हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, 2 बच्चे हैं साथ में। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, आपको कैसी लगी मेरी ये ब्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसी मेरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।